छोटी छोटी घटना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको सूत्र मिले। गुरु का होना कोई इसलिए नहीं कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु नहीं मिलेगा तो, कि गुरु नहीं मिलेगा तो आप स्वर्ग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, कि ये होगा कि वो होगा, कि पाप हो जाएगा, नहीं। गुरु का होना जीवन में, और वो भी जीवंत गुरु का होना इसलिए कहते हैं कि, और उसके साथ सतत आपका संपर्क बना रहे तो वो लगातार आपको चोट करता रहता है, वो आएँ बाएँ दाएँ अपने तरीके से आपको समझ में ही नहीं आता, और वो आप पे चोट करता रहता है, और वो आपको चोट कर करके वो आपको पकाता रहता है, वो आपको मजबूत बनाता रहता है, वो आपको दिशा देता रहता है। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आप पहुँच गए, ये कैसे पहुँच गए, तो धक्का जो लग रहा था। तो गुरु होते ही जीवन में, पर मैंने आपसे कहा वैसा नहीं कि कहीं तभी दीक्षा लेके आ गए और फिर वो कहाँ गुरु जी और कहाँ अपन, थोड़ा सा सानिध्य मिले किसी का तो वो जो है लगातार चोट करता है। तो हम निगुरे ना रह जाएं, गुरु समर्पण आया कि अहंकार गया, या अहंकार गया तो समर्पण आया, दोनों एक ही बात, एक ही सिक्के के दो पहलू। मुक्ता भाई की एक बहुत सुंदर कथा छोटी सी, जिसमें हमारे लिए कुछ सूत्र निकलेंगे। उन दिनों एक ऋषि, या कहना चाहिए बहुत बड़े सन्यासी, जिनका पूरे भारत में बोलबाला था, लोग उनका नाम सुन के ही, जहाँ नाम सुन के ही प्रणाम कर लेते थे कि अरे ये, उनका नाम था चांगदेव। चांगदेव मराठी में चांगला माने अच्छा, सुंदर। तो चांगदेव जो थे दिखने में बड़े सुंदर थे, तो इसलिए उनका नाम रख दिया था चांगदेव। पर चांगदेव में एक बात थी कि उसको सीखने की बड़ी ललक थी। चांगदेव जोरदार आदमी था, ये सीख वो सीख, ये गुरु वो गुरु वो गुरु, क्या नहीं सीख लिया चांगदेव ने अपने छोटे से जीवन में, ये सीखना वो सीखना वो सीखना, गीता का पूरा पाठ और ये सारे वेद और सारे पुराण और सब चांगदेव ने अपने अंदर डाल लिए। जहाँ जाए वहीं वो गुरु से पूरी बात समझ ले, फिर नया गुरु, फिर नया गुरु। चांगदेव की इतनी सीखने की लालसा, अभिप्सा की शादीवादी नहीं की चांगदेव ने, उस जगह आप विवाह कर लो, उन्हें कहा भी बहुत सारा सीखने को बाकी है, ये सब सीख जाऊँ फिर करूँगा। उनको सीखने के लिए समय इतना कम पड़ गया कि 14 बार उन्होंने मृत्यु को लौटा दिया। मृत्यु भाई 100 वर्ष के हो गए चांगदेव, अब मरना था, और क्या उनने खेल खेला कि मृत्यु भी लौट गई उनकी ऐसी लगन सीखने की। तो क्या 1400 साल के हो गए थे चांगदेव, 14 बार मृत्यु को, और उसमें कितना ज्ञान अर्जित, मतलब कुछ बचा ही नहीं। किसी ने कहा रहे योग नहीं किया आपने, तो ठीक है योग के लिए चले गए। बोले वो बहुत कठिन कठिन कुछ रास्ते थे, कुछ कठिन गुफा थी। चांगदेव के डरने वाले आदमी, उनको सब भूत प्रेत और सब जादू टोना मंत्र सब सीख लिया था, उन्होंने किससे डरे ऐसा आदमी। बोले तो मैं तो सीखने की ललक गजब की थी, चले योग भी कर लिया उन्होंने। मगर क्या होता है, दो तरह से सीखना होता है। एक सीखना होता है जानकारी इकट्ठा करना, जैसे आप बैठे हैं मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे कहानी सुनी, आपको अच्छी लगी, मज़ा आया, अच्छा लगा, आपने जाके दो चार लोगों को कहानी सुनाई, बात खत्म, उन्होंने दो चार दस को और आगे सुना दी। मगर उस कहानी से जो आपके भीतर जो बदलाव आना था, जो रूपांतरण होना था, वो हुआ नहीं। उसके लिए ध्यान की भूमि चाहिए। मैंने कल आपसे कहा ध्यान की भूमि पे ही समझ के बीज गिरे तो फूल खिलता, नहीं तो वो बीज जो है वो यहाँ पत्थर पे कहीं रख दो टेबल पे तो वो सड़ जाए। हमारा हम जितना भी सुनते हैं ना वो ऐसे ही सड़ जाता है, क्योंकि बगैर ध्यान के रखा हुआ ज्ञान है, और ध्यान के बगैर जो ज्ञान है वो तो बदबू मारता है, सड़ जाता है। ध्यान का बेस जरूरी। तो ये बड़े ज्ञानी हो गए, सब हो गया, और ऐसा कौन जो इनको प्रणाम नहीं करे, जो इनके सामने नहीं झुके। इनकी छोड़ दो, इनके शिष्य कहीं जाके कहते हैं मैं चांगदेव का शिष्य हूँ, तो पूरा गांव गिर जाता था पैरों में, चांगदेव के शिष्य। मगर किसी ने एक दिन उनको बताया चांगदेव को कि आपको पता है वो महाराष्ट्र में एक जगह वो एक कोई बच्चे हैं वो उन्होंने वो भैंसे को बुलवा दिया था वेद। ये सुन के चांगदेव को जरा झटका लगा, उन्होंने कहा ऐसा होता है क्या, बोले ऐसा हुआ। चांगदेव ने कहा जरा पता करो ना, दो चार लोगों का जा पता करो सच है कि नहीं, ये फालतू फैला दी बात। वो गए, उन्होंने पैठणी में जाके बात करी सब, वाह, उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव सही बात है। अच्छा यार, ऐसे लोगों से तो मिलना चाहिए चांगदेव, सीखना तो इनका हो गया था, कुछ सीखने को बाकी नहीं रहा था। नहीं, चार बच्चे कौन है क्या, मिलना चाहिए। तो उनके शिष्यों ने कहा कि चलें अपन मिलने। चांगदेव ने कहा नहीं, ऐसे कैसे मिलने चले, पत्र लिखते हैं पहले, मतलब जैसे कि अपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, कि उनको बता दें कि भाई हम आ रहे हैं ऐसा करके, और फिर चांगदेव आ रहे हैं,
अब चांगदेव को ये तकलीफ पड़ गई, आप सोचिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आप 1400 साल के हैं और दुनिया का सारा नॉलेज आपके पास है, अब आप किसी से मिलने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं किसी से मिलने? पहली बात तो उसको आना चाहिए अपने से मिलने के लिए, पर अब क्या है कि वो तो आ नहीं रहा है मिलने के लिए, तो बेचैनी पकड़ गई कि अपन जाएं मिलने के लिए। फिर अपन जाएं तो क्यों जाएं? फिर जाएं तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर वो बच्चे छोटे भी हैं, अपन 1400 साल के, वो 15-18 साल के बच्चे, वो लड़की तो 9-10 साल की, तो बड़ा बचो पेश हो, जाना भी है नहीं भी जाना है, क्या करना? पत्र लिखते, कागज उठाया, पेन वो उठाया, अब क्या लिखें? दंडवत, साष्टांग दंडवत, मैं साष्टांग दंडवत करूँ किसी को यार? फिर क्या लिखें? उनको लिखें कि तुमको मेरा आशीर्वाद? नहीं, अभी देखा नहीं अपन ने कौन है वो, सुन ही रहे हैं, आशीर्वाद लिख, क्या लिखें? अहंकारी आदमी के साथ ये चक्कर हो जाता, ज्ञान ही ज्ञान भर जाए तो अहंकार हो जाता, पूरा अहंकार का पुतला हो गया था वो चांगदेव, उसको समझ ही नहीं पड़ रही, बहुत देर वो अकल लगा रहा कि ये लिखूं कि वो लिखूं कि ये लिखूं कि वो लिखूं, तो वो शिष्य थक गए जो खड़े थे बाजू में, उन्होंने कहा ये लिखते ही नहीं गुरु जी कुछ, तो शिष्यों ने कहा कि गुरु जी एक काम करो, यही दे दो आप तो कागज ऐसे ही। उन्होंने भी सोचा कि यार बहुत देर हो गई, अपने समझ भी पढ़ नहीं रही, लिखना क्या, तो कहाँ जा ले जाए ये झंझट मिटी, यही दे दो उनको जा। फिर चांगदेव ने दिया, चांगदेव के लोग आए आंधी में, उन्होंने पूछा कि अरे वो देखा क्या वो ज्ञानेश्वर वो मुक्ता ऐसी बात करेंगे ना बच्चों के बारे में, तो एक छोटी सी लड़की थी, उसने कहा कि अरे बदतमीज लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, ज्ञानेश्वर मुक्ता ऐसा बोलो। उनको दोनों घबराहट हुई, उन्होंने कहा हम चांगदेव के शिष्य, बोले तुमको तमीज नहीं सिखाई चांगदेव, कैसी बात कर, वो समझ गया, उन्होंने कहा कुछ भारी मामला, वो बड़े मुश्किल से उनको बताया किसी ने कि वो वहाँ रहते हैं और जरा शांति से बैठो, वहाँ है बाहर तो मिलना, वो उनके घर में है अभी, और कोई विक्षेप नहीं डालना, बेचारे वो बैठ के इंतजार कर रहे। फिर वो भाई बहन बाहर निकले भिक्षा के लिए, तो उन्होंने प्रणाम किया, कहा हम चांगदेव के शिष्य हैं। उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? बोले कि वो चांगदेव ने आपके लिए पत्र भेजा है। ज्ञानेश्वर बोले बताओ। उन्होंने देखा, उन्होंने निवृत्तिनाथ को दिया कि दादा आप पढ़ लो, आप बड़े हो, आपको समझ में आ जाएगा। उन्हें भी ऐसा देखा, उन्होंने वो सोपान को दिया, वो तीसरा, उसको कहा तू देख लो तेरे समझ में कुछ आता हो दिखता हो इसमें कुछ। उसने कहा कोई जो कोरा है क्या पढ़ो इसके अंदर। आखिरी में मुक्ता के हाथ में आ गया घूम के। मुक्ता खतरनाक, वो तो जेन मास्टर थी, जेन मास्टर समझते ना, डंडा लेके चलते हैं, वो सीधे ही देते एकदम सर पे, और डंडा चले ही चुकी थी अपने तरीके से, रखती नहीं थी पर चला जरूर देती थी। तो उसने मुक्ता ने वो लिया कागज, ऐसा देखा, वो चांगदेव के शिष्यों की तरफ देखा और कहा दादा ये चांगदेव 1400 साल के योगी, अरे ये तो कोरी रहेगा, इनको तो कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा अरे मुक्ता ऐसा मत बोल। नहीं बोले, पर बोल क्या, ये दिख रहा है ये तुम्हारे गुरुजी तो कोरी रहेगा। अरे बोले वो दोनों तो कपकपा गए, चांगदेव के बारे में कोई ऐसा बोल रहा, 9-10 साल की लड़की कह रही 1400 साल का चांगदेव, बोले अरे ये तो कोरी रहेगा, इसको कुछ नहीं पता, कुछ आया ही नहीं इसको। तो उन्होंने कहा कि आप जवाब दें इस पत्र का, तो कहते कोई 64-64 लाइनें लिखी, कहा तुम्हारे गुरुजी को दे देना समझ लेंगे। वो दोनों तो भागते दौड़ते गए, उनको उन्होंने तो चांगदेव ही देखे थे जीवन में, उनको नहीं पता था कि उनके भी कोई गुरु हैं यहाँ। वो चांगदेव के वहाँ गए और कप रहे हैं हाथ पर उनके, चांगदेव बोले क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अब वो कह गया, उनको हंसी भी आया, उनको रोना भी आया, वो कह गया हम क्या बोले। चांगदेव बोले बोलो तुमको, तुम बोलो, मैं कुछ नहीं, सब माफ है, बोलो क्या बोला, उन्होंने कुछ बोला क्या? उन्होंने कहा कि वो चांगदेव तो सब कोरा ही रह गया। 14,000 शिष्य थे चांगदेव, 14,000 पीपल वर सिटिंग अराउंड, 14,000 लोगों में बोल दिया उसने कि वाह, वो बच्ची कहती है कि ये चांगदेव तो कोरा ही रह गया है, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो चांगदेव को नहीं आती थी, योग से लेकर के सब। चांगदेव ने कहा मेरे लिए कुछ और दिया उन्होंने? बोले ये पत्र दिया। 64 में से एक भी लाइन समझ में नहीं आई चांगदेव, क्योंकि वो जो 64 बातें थीं वो सब अनुभव से आती थी। चांगदेव के पास अनुभव नहीं था, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, खूब इन्फॉर्मेशन। अपने यहाँ घूमते कि नहीं, बहुत सारे PhD एकदम गधे रहते, कुछ पता नहीं रहता उनको, पर वो PhD ले आते हैं, PhD आना क्या कठिन है उसमें, जीवन का कुछ पता नहीं रहता उनके पास, जीवन का पता चल जाए तो गजब है।
तो बड़ी बड़ी डिग्री ले लेके, चांगदेव के बाद तो डिग्री डिग्री होता, ढेर डिग्री लेके घूम रहा था। चांगदेव ने बहुत अकल लगाई, 64 में से एक भी समझ में आ जाए, कभी समझ में नहीं आई। चांगदेव बोला चलो यार इनसे मिलते ही मिल के ही बात करें क्या।